दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम एस्टीमेट करते हैं नंबर्स का, जो हम उनको टू इस नियरेस्ट 10 प्लेस, 100 एंड 1000 प्लेस तक उसको हम कंक्लूड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। तो उसके पीछे क्या मेथड है, क्या कोई रूल है, क्या कोई एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये होता है, और बेसिकली हमारा हमारी इंटेंशन क्या है इसको करने के पीछे, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है एस्टीमेटिंग एस्टीमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम ये जानते हैं, जैसे कि लेट सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं। जैसे कि एक नंबर है 3, 9, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखूंगा, 0, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह से है। और मेरे पास 3 नंबर है, जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो है 3, 9, 4, 6, जो मेरा सेकंड नंबर है वो है 6, 8, 2, 4, और जो मेरा थर्ड नंबर है वो है 2, 0, 5, 0। इन 3 नंबर को दोस्तों मुझको ऐड करना है। तो जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है एडिशन का, वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर मेरे को इन 3ों नंबर्स का क्विकली एक एस्टीमेट लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्विकली इसको एस्टीमेट करना है तो मैं कैसे करूंगा? हमारा जो ट्रेडिशनल एडिशन मेथड है, उससे तो मैं बेसिकली पहले वंस को ऐड करूंगा, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड्स को, फिर थाउजेंड को, इस तरह से ऐड करूंगा। बट एक क्विक मेथड में मैं किस तरह से इसको लेके चलूंगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जो एस्टिमेशन का हमारा रूल है वो ये कहता है कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको देखिए, उसके बाद वाले डिजिट को देखिए। तो यहाँ पे 3ों नंबर में आप ये देखेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, जैसे कि 3, 6 और 2 है यहाँ पे, और इसके बाद वाली डिजिट जो है वो आ रही है 946 फर्स्ट में, 824 इसमें, और 050 इसमें। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा कि अगर मैं इसको थाउजेंड्स प्लेस में थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूँ, थाउजेंड्स के हिसाब से मैं इसको कंक्लूड करूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 4000, इट इज़ वेरी नियर टू 4000। जैसे मैंने आपको बताया था, 946 इज़ वेरी नियर टू द 1000। तो जो लेफ्ट मोस्ट एंड है इस डिजिट का, वो 4000 हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं इस नंबर में देखूँ तो इसका अप्रोक्सीमेशन होगा 7000, 7000, क्योंकि ये जो 3 नंबर है 824, ये कंक्लूड होते हैं, कन्वर्ज होते हैं नेक्स्ट 1000 में। और दोस्तों, सेम तरीके से अगर 2050 है तो ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट में कन्वर्ज होगा और ये 2000 आके बनाएगा, ये 3000 नहीं बनाएगा, क्योंकि जो 50 है वो मोर क्लोज टूवर्ड्स है 2000 के, ना कि 3000 के। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इनको कंक्लूड किया, कन्वर्ज किया, और अब मैं अपना सम देखूंगा। तो यहाँ मेरा सम आ रहा है 0, 0, 0, और मैं इसको क्विकली भी कर सकता हूँ, यहाँ पर आ रहा है मेरा 13। तो ये टोटल सम जो है मेरा 13000 आ रहा है। तो जो एस्टिमेट हम पहले देख रहे थे, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उसमें हम ये एक एप्लीकेशन है उसका, कि किस तरह से हम एस्टिमेट लगाएं कि जो नंबर है उसको अगर हम प्लस माइनस कुछ भी करें तो वो किस बेस्ट प्लेस पे, किस बेस्ट डिजिट पे आके कन्वर्ज करते हैं। एक बार इसको ओरिजिनली ट्रेडिशनल मेथड से भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है, क्या कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। एक बार चेक करते हैं। 6 एंड 4, 10, 4 2 6, 1 कैरी ओवर है, 7 एंड 5 दैट इज 12, 9 एंड 1 10, 10 एंड 8 18, 18 यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 एंड 3 9 एंड 1 10 एंड 2 12। तो दोस्तों, 12820 आ रहा है। अगर मैं 12820 को भी मैं कन्वर्ज करूँ तो ये भी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 13000 ही बनेगा, क्योंकि 820 जो नंबर है वो कंक्लूड होता है नेक्स्ट 1000 में। तो लेफ्ट मोस्ट 1000 इसका 13000 ही बनेगा। तो जो हमारी एप्रोक्सी एस्टिमेशन की जो टेक्निक थी वो सही थी। तो मैं यहाँ पर अगर अपने नंबर्स को ये जांच लूँ कि किस डिजिट के बाद मुझे 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 उसको कन्वर्ज करना है, या मेरे को 10th डिजिट के बाद है, 100th है, 1000 है, किसके बाद मेरे को उसको 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 कंक्लूड करना है, तो मैं ये बड़ी आसानी से जान सकता हूँ कि मेरा अप्रोक्सीमेशन क्या रहेगा, मेरा 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 जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या रहेगी।
तो ये जो हमें राउंडिंग ऑफ ने सिखाया है, तो उसको मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। लेट सपोज एक ट्रेडर है, और ये मानिए ये बिजनेसमैन है, और ये बिजनेसमैन बेसिकली इसके पास किन्हीं दो सोर्सेस से पैसा आया है। सोर्स ए से इसको एक पैसा आया है, सोर्स बी से इसको एक पैसा आया है। क्योंकि बिजनेसमैन है, इनको काफी सोर्सेस से पैसा आता है। तो जो ए से सोर्स से पैसा आया है वो है 13,000 रुपीज में आया है, 13,569 रुपीज आया है। जो बी से आया है वो आया है रुपीज 26,785 आया है दोस्तों। अब यहाँ पर इस ट्रेडर को आगे किसी और को एक पेमेंट करना है ₹37,000 का। तो दोस्तों क्या ये ट्रेडर इन दोनों इनपुट्स, इन दोनों जो मनीष के पास आने वाले हैं ए और बी से, क्या ये इसको करके सी को पेमेंट कर सकता है? क्या ये इसको सम करके सी को पेमेंट कर सकता है? अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको डिजिट बाय डिजिट लेके चलूँ तो 9 को पहले प्लस करूंगा यहाँ के 5 से, फिर 6 को प्लस करूंगा 7 से, 5 को करूंगा 7 से, और फिर 3 को 6 से एंड 2 को 1 से करूंगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब मैं इसको बेसिक के कन्वर्ज करने के लिए मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13,500, अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं मानता हूँ ये वैल्यू 26,785 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 27,000 के आसपास जा रही है, क्योंकि ये नेक्स्ट नेक्स्ट थाउजेंड को आके कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो 3 डिजिट है ये 785 है। अब मैं इसको एक बेसिक अगर मैं इसको ऐड करूँ ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पर मुझे एक अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है कि ये 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास ये वैल्यू है। तो ये जो 40,000 के आसपास मेरा एस्टीमेट है वो मैंने सिर्फ इन दो डिजिट को लेकर ही बना दिया, मेरे को इन सब डिजिट को प्लस करने का, एडिशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। और यहाँ पर देखिए मेरे को कितना चाहिए था, 37,000। तो 40,000 इज ग्रेटर देन 37,000, तो यस हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडर आगे अपनी पेमेंट कर सकता है जो कि 37,000 की है, क्योंकि इसके पास यहाँ 40,000 रिसीव हो चुका है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हुआ कि किस तरह से मैं एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ को क्लब करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन को समझ के और अपनी अपनी डे टू डे लाइफ में क्विकली क्विकली उसको एस्टिमेट करके बता सकता हूँ कि जो उसका सम है और जो उसका सबसेक्शन है वो किसके आसपास आता है। तो दोस्तों इसको करने के लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, और इसमें जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो भी ऐसा बहुत एक्यूरेट नहीं है। बट हाँ, इट इज समवट क्लोज टू वॉट योर एक्चुअल वैल्यू विल बी, जो आपकी वैल्यू आ रही है उसके थोड़ा सा क्लोज ही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये इसका एक 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 बेसिक रूल है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी सेंस भी लगाएंगे और अपना अपना एक बेसिक माइंड भी लाएंगे कि मेरे को ये जो वैल्यू है जो मैं चाहता हूँ वो किस किस के किसके अकॉर्डिंग मेरे को कन्वर्ट करना है, या तो टेंस में मेरे को राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स में करना है, थाउजेंड में करना है, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिर मैं इसको इजीली क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू।